हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल अट्राडे और आप देख रहे हैं विशाल अट्राडे अकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस वीडियो के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है, हमें सेल डिविजन क्या डिस्कस करना है। सेल डिविजन इज एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस। हाँ, हमारी बॉडी में हर सेकंड को, हर वक्त क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रही है। सेल डिवाइड होना मीन्स क्या, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, ऐसे क्या हो रहे है? हमारे सेल्स डिवाइड हो रहे है। एक से क्या हो रहा है, बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में फॉर्म हो रहे है। वो क्या है, सेल डिविजन कैसे हो रहा है। देखिए, समझो, हमें हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ होना मीन्स क्या, हम दो साल पहले छोटे थे, अब क्या थोड़े हमारी हाइट बढ़ गई, हमारे जो भी ऑर्गन्स है उसकी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो गई, यानी हमारी बॉडी की ग्रोथ भी किसकी वजह से हो रही है, सेल डिविजन। हाँ, सेल क्या हो रहे है, हमारी बॉडी के अंदर डिवाइड हो रहे और हमारी बॉडी क्या कर रही है, ग्रोथ। उसी तरह जो भी इमेसिएटेड बॉडी यानी क्या, जो हम भी बहुत सारा काम कर थक गए, थक जाने के बाद हमें हमारी बॉडी क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल डेड हो जाते, उन्हीं सेल को दोबारा क्या करती है, वो दोबारा फॉर्म करने का काम करती है, कौन, सेल डिवीजन। हाँ, सेल ही तो है, सेल डिवीजन तो ये तो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को दोबारा फॉर्म करती है। हर एक सेकंड, हर एक वक्त क्या हो रहा है, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन परफॉर्म हो रहा है। देखिए, उसी तरह जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है, मल्टी सेलर यानी क्या, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या है, उनके बॉडी के अंदर एक से बढ़कर बहुत सारे क्या है, सेल है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। उसी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी क्या हो रही है, ग्रोथ, उसकी बॉडी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। उसी तरह जो भी हमारी वाउंड हीलिंग है, वाउंड हीलिंग यानी क्या, हमें समझो कोई जख्म हो गई तो उस जख्म को अच्छा करने का काम भी कौन करता है, सेल डिवीजन। हाँ, जहां पर हमें कुछ लगा, जहां पर कुछ जख्म हो गई, वहां क्या होते हैं, रैपिड सेल डिवीजन परफॉर्म होता है और वो जगह क्या होती है, ठीक होती है। उसी तरह प्लांट्स में भी क्या होता है, सेल डिवीजन। कैसे, समझो हमने प्लांट्स के फ्लावर्स तोड़े, तो फ्लावर्स तोड़ने के बाद उस प्लांट्स को क्या हुई, जख्म, वो जख्म भरने का काम कौन करती है, सेल डिवीजन। उसी तरह जो भी हमारे बॉडी के अंदर बॉडी की सेल ग्रोथ हो या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो, ये सभी किसकी वजह से हो रहा है, सेल डिवीजन की वजह से। देखिए, हम देखेंगे सेल डिवीजन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स की एक है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कौन सी, सेल डिवीजन। सेकंड पॉइंट देखें, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी अ न्यू ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, फॉर्म होता है फ्रॉम अर्लियर एग्जिस्टिंग वन। जो भी उसी के जो ऑर्गेनिज्म से, उसी ऑर्गेनिज्म से मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसी के जैसा न्यू ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, फॉर्म ड्यू टू द सेल डिवीजन। देखिए, उसके बाद अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज अप। मल्टी सेलुलर बताया आपको, मल्टी सेलुलर यानी क्या, जिस ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, सेल्स, उसे हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड इमेसिएटेड बॉडी कैन बी रिस्टोर्ड। इमेसिएटेड आपको बताया कि कौन सा है, हम वर्क करने के बाद क्या हो जाते, थक जाने के बाद हमें दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम, दोबारा हमारे सेल्स को फॉर्म करने का काम कौन करता है, सेल डिवीजन। वाउंड हीलिंग, कोई जख्म हो गई तो उसे ठीक करने का काम। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड तैयार करने का काम, इस सभी काम कौन करता है, सेल डिवीजन। एंड सेल डिवीजन हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी तरह देखिए, सेल डिवीजन के दो टाइप्स है,
सेल डिवीजन के कितने टाइप्स हैं? दो, एक है माइटोसिस और सेकंड है मियोसिस। देखिए माइटोसिस को क्या बोलते हैं? मियोटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? माइटोसिस को क्या बोलते हैं? माइटोटिक डिवीजन। और मियोसिस को क्या बोलते हैं? मियोटिक डिवीजन। देखिए माइटोटिक डिवीजन कहाँ ऑकर्स होता है, माइटोटिक डिवीजन कहाँ परफॉर्म होता है? तो हमारे बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स है और स्टेम सेल्स, उसी में क्या होता है? सेल डिवीजन परफॉर्म होता है। देखिए सोमैटिक सेल्स यानी क्या? जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी बहुत सारे ऑर्गन्स है, हार्ट होगा, लंग्स हो गए, हमारे आई, सभी जो भी सारे सभी ऑर्गन्स है वो क्या है? सोमैटिक सेल्स मीन्स बॉडी सेल्स है। बॉडी सेल्स और स्टेम सेल्स ये क्या है? तो बॉडी सेल्स है। उसी तरह जो मियोसिस है, मियोसिस कहा परफॉर्म होता है? मियोसिस आर परफॉर्म या ऑकर्स इन जर्म सेल्स। देखिए आपको पता है जर्म सेल्स यानी क्या? जर्म सेल्स यानी जो भी सेक्स सेल है, सेक्स सेल यानी क्या? मेल गमेट और फीमेल गमेट। मेल गमेट्स कौन सा है? तो स्पर्म। और फीमेल गमेट्स कौन सा है? तो एग सेल यानी क्या? ओवम। देखिए अब जो भी स्पर्म है और जो भी एग सेल है, इन ये कहां से परफॉर्म होते हैं? तो मियोसिस यानी मियोटिक डिविजन्स। देखिए हमारा फॉर्मेशन हम कैसे तैयार हो गए? तो मियोसिस से। कौन से सेल डिवीजन परफॉर्म होते हैं हमारे बॉडी के अंदर? मियोसिस। और माइटोसिस किसके परफॉर्म, किसमें परफॉर्म होती है? तो असेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे अमीबा है। क्या है? अमीबा। ये क्या है? असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर क्या परफॉर्म होता है? माइटोसिस। और हम में मियोसिस। हम क्या है? हम जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो सेक्सुअली, दैट इज हम क्या है? सेक्सुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो अमीबा है वो क्या है? असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हमें क्या डिस्कस करना है? माइटोसिस। देखिए हमने इसकी जानकारी ले ली है कि माइटोसिस क्या है, मीन्स हमने देखा कि सेल डिविजन के कितने टाइप्स गिरे, माइटोसिस और मियोसिस, उसका हमें क्या देखना है? माइटोसिस। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम क्या डिस्कस करने वाले? फिर माइटोसिस। देखिए माइटोसिस एक किसमें परफॉर्म होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स जो भी असेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या परफॉर्म होता है? माइटोसिस। देखिए माइटोसिस क्या काम करता है? तो ग्रोथ और बॉडी रिपेयरिंग का। देखिए जो भी माइटोसिस है, माइटोसिस में क्या होता है? डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है? रिप्लिकेट होता है। रिप्लिकेट यानी क्या? स्प्लिट। स्प्लिट होने के बाद उससे क्या होते हैं? डॉटर सेल्स तैयार होते। समझे, जो भी अमीबा है, अमीबा जब भी क्या होता है? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, तो उसी की तरह क्या होता है? न्यू टू डॉटर ऑर्गेनिजम परफॉर्म होते हैं, मीन्स टू न्यू डॉटर अमीबा फॉर्म होते। उसी तरह जो माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर जो भी न्यू ऑर्गेनिजम परफॉर्म होंगे किससे? जो हमारी पहली सेल है उससे, वो उसी सेल्स की तरह मीन्स उसी की तरह होंगे, मीन्स आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसा उनका पेरेंट है उसी तरह वो दिखने लगेगी, मीन्स आइडेंटिकल टू दिस पेरेंट, उसके ही पेरेंट के जैसा वो क्या होता है? दिखने में होता है, मीन्स पूरा एग्जैक्ट आइडेंटिकल होता है उसके पेरेंट से। एक इसमें परफॉर्म होता है माइटोसिस में। तो माइटोसिस में हमने देखा कि क्या है माइटोसिस जो भी है वो किस में परफॉर्म होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसमें क्या होता है? ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी, ग्रोथ भी होती है बॉडी की और बॉडी रिपेयर भी होती है। देखिए जो भी माइटोसिस है, माइटोसिस हमें पता है कहां परफॉर्म होता है? सोमैटिक सेल्स और स्टेम सेल्स, वहां क्या परफॉर्म होता है? माइटोसिस। देखिए फिर डीएनए रिप्लिकेट्स और सेल स्प्लिट्स इन हाफ, जो भी डीएनए वो क्या होता है? रिप्लिकेट्स होता है। और जो सेल्स है वो क्या होते हैं? स्प्लिट्स इन हाफ, मीन्स
जो भी न्यू ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, हाफ टू सेल्स आर फॉर्म होंगे। इसी तरह देखिए, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, समझिए एक ऑर्गेनिजम्स है, इसी ऑर्गेनिज्म से क्या फर्क होंगे, टू न्यू ऑर्गेनिज्म, समझो ए के हो गए और ये दूसरा ए हो गया। इस ए की ऑर्गेनिज्म से कितने सेल्स परफॉर्म हुए, दो, मीन्स दो सेल्स क्या हो गए, तैयार। इसी को हम क्या बोलेंगे कि टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म। डॉटर यानी क्या, एग्जैक्ट टू दिस पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के जैसे वो क्या होंगे, न्यू सेल्स फॉर्म होंगे, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, डॉटर सेल्स एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू दिस पेरेंट्स। देखिए आइडेंटिकल टू पेरेंट और आइडेंटिकल टू ईच अदर, जो भी न्यू सेल्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, उसी के पेरेंट्स के तरह हमें दिखने लगेंगे, मीन्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देखिए यहां पर जो हैप्लॉइड सेल है और जो डिप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड यानी क्या, जिसके अंदर जो भी सेल्स होंगे वो क्या होंगे, ये इसकी तरह, मीन्स ये क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल्स। और डिप्लॉइड सेल्स यानी क्या, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा। इस हैप्लॉइड सेल आपको वर्ड्स आया तो कैसे होंगे सेल्स, ऐसे। और जो भी डिप्लॉइड होंगे वो किस तरह होंगे, इस तरह। देखिए हमें क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, क्या स्टडी करना है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, हमारे बॉडी जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करने का काम कौन किसका है, डीएनए का। डीएनए में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। देखिए अब एक क्रोमोसोम्स जो भी हमारे बॉडी में है वो 46 क्रोमोसोम्स, कितने, 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स यानी क्या, तो 23 पेयर्स है, क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मीन्स क्रोमोसोम्स है 46 और उनके पेयर्स कितने, 23। मीन्स 23 पेयर्स है और क्रोमोसोम्स है 46। देखिए जो भी क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह। इसमें जो बीच में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ये जो है एक और ये दोनों मिलकर क्या क्या बोल सकते हैं उसे, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। और जो सबसे नीचे है इसे क्या बोल सकते हैं हम, डीएनए। डीएनए यानी क्या, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, क्रोमोसोम्स की डायग्राम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रोमोसोम्स है वो कैसा दिखने में कैसा है, इस तरह। ये क्या है, क्रोमोसोम्स। इसके बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और सबसे नीचे क्या है, डीएनए, उसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम। देखिए समझो ए सेल, इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या हुई, सिंगल। इसमें की सिंगल हमने निकाली तो ये क्या होगी, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखिए हमने क्या देखा कि माइटोसिस, माइटोसिस किस में परफॉर्म होता है, तो असेक्सुअली जो भी रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस का काम क्या है, तो बॉडी की ग्रोथ करना और बॉडी रिपेयर करना। देखिए फिर जो भी हमारा माइटोसिस है वो किस कौन से सेल में परफॉर्म होता है, तो सोमेटिक सेल्स और स्टेम सेल्स, उन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं, बॉडी सेल्स। देखिए अब जो भी डीएनए है वो क्या होता है, रिप्लिकेट्स होता है। रिप्लिकेट्स यानी क्या, सेल्स स्प्लिट होती है हाफ में, इसमें स्प्लिट होती है हाफ में। हाफ में स्प्लिट होने के बाद क्या होते हैं, टू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। कितने डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, एंड दिस टू डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। मीन्स उनके पेरेंट्स के जैसे कौन दिखते हैं, वही न्यू डॉटर सेल्स। डॉटर यानी क्या, जो भी न्यू सेल्स है वो क्या है, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। दिस सेल्स आर डॉटर सेल्स। और हमने देखा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल,
सिस्टर क्रोमैटिड कौन है, सेंट्रोमियर कहाँ है, डीएनए सिस्टर क्रोमैटिड ये सबने ये सभी हमने पढ़ा। देखिए फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से ध्यान में आया होगा कि माइटोसिस कहाँ परफॉर्म होता है, माइटोसिस जो भी क्रोमोसोम्स है क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या है ये सभी हमने डिस्कस किया। आगे हम पढ़ेंगे कि माइटोसिस डीप में पढ़ेंगे माइटोसिस के कितने स्टेज है, माइटोसिस के कितने फेज है वो सभी हम डिस्कस करें। देखिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग विशाल अट्राडे अकेडमी।